हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि जीमेल कैसे बनाएं, वो भी मोबाइल पर। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्हें मोबाइल पर जीमेल आईडी बनाना नहीं आता। आज भी जीमेल आईडी बनाने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता है। मैं मोबाइल में बहुत ही सिंपली तरीके से जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट जीमेल आईडी, मैं आपको सिंपल वे से बताऊँगा। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को गणेश आगमन की शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं आरजे टेक्नो वर्ल्ड। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक कोई भी मोबाइल लीजिए, उसमें एक ब्राउजर ओपन कीजिए। मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया है। आपको गूगल सर्च बार दिख रहा होगा, वहां पे gmail.com टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको सबसे नीचे देखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिएट अकाउंट दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस, ऐसे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। फॉर माई सेल्फ अगर खुद के लिए बनाना है तो फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कीजिए, और टू मैनेज माई बिजनेस पे क्लिक करने के लिए आपका कोई बिजनेस होना चाहिए, इसीलिए मैं फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब द आरजे टेक्नो वर्ल्ड एंड हिट द बेल आइकॉन। और क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस ओपन दिखाई दे रहा है। वहाँ पे फर्स्ट नेम में अपना खुद का नाम डालिए और नीचे आपको सरनेम का ऑप्शन है। मैं अपना खुद का नाम डालता हूँ फर्स्ट नेम में, रोहन, और नीचे मैं सरनेम डालता हूँ। अरे, फिर नीचे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आपको तीन बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, डे, मंथ एंड ईयर। उसके नीचे आपको जेंडर का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आपको मेल या फीमेल जो भी है आप वो डालना पड़ता है। मैं डे में अपना खुद का बर्थ ऑफ डे डालूंगा, 14। फिर मिडल बॉक्स में मंथ के ऑप्शन में मैं अपनी खुद का मंथ डालूंगा जो भी है बर्थ का। उसके बाद ईयर का ऑप्शन, उसमें मैं अपनी बर्थ ऑफ ईयर डालूंगा। फिर जेंडर में मैं मेल हूँ, इसलिए मैं मेल पे क्लिक करूंगा। फिर चूज योर जीमेल एड्रेस, यहाँ पे तीन ऑप्शन है। ऊपर के दो ऑप्शन मैन्युअली है जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है, और तीसरा ऑप्शन क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, उस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं मैन्युअली जो भी मुझे याद रहे ऐसा डालूंगा, रोहन डॉट 20 रोहन चरे। देखिए, आप यहाँ पे ऐसा फिल करिए जो आपको याद रहे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। साइन अप विथ मोबाइल नंबर, ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कीजिए, हम इंडियन हैं इसलिए इंडिया सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालिए, जो भी आपके मोबाइल में फिलहाल सिम है वो वाला नंबर डालना है आपको, क्योंकि आप जो भी नंबर डालेंगे उस पर एक OTP जाएगा, इसीलिए आपको वो मोबाइल चाहिए या वो सिम आपके पास चाहिए। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी चैनल पे आपको और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, हम अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने अपना नंबर डाल दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, देखिए, और मेरा नंबर इसी मोबाइल में है इसीलिए मुझे OTP आ गया है ऊपर, और वो अपने आप ही वेरीफाई हो रहा है।
नंबर वेरीफाई होने के बाद आपको सिंपली नीचे वाले बटन पे आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर आपको मनचाहा पासवर्ड डालना है जो आप याद रख सकते हैं, ऐसा पासवर्ड चुनिए। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा और नीचे यहाँ पे आपको जीमेल आईडी दिखाई दे रहा होगा। आप मैन्युअली उसे एडिट भी कर सकते हैं, वहाँ पे एडिट योर जीमेल एड्रेस दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको एडिट योर जीमेल एड्रेस ऐसा इंटरफेस शो होगा। उसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, आपको थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस। उस पर टैप करके आप यहाँ पे आपको जीमेल डालना पड़ेगा, जो आप याद रख सकते हैं वही डालिएगा। हमने इनिशियली भी यही डाला था, रोहन जरे 2020। और होने के बाद डन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको रिव्यू योर अकाउंट इन्फो ऐसा इंटरफेस शो करेगा, वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और जीमेल एड्रेस दिखाई दे रहा है। और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेसी एंड टर्म्स दिखा रहे हैं गूगल की, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। और सिंपली आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दिए। यहाँ पे आपका जीमेल तैयार है, बहुत ही सिंपली और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको बताया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। प्लीज कमेंट करिए। प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।